अखिल भारतीय आदिवासी भील समाज के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे सभी समाज के भाई और बहनों, आज का दिन बहुत शुभ और मांगलिक दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज ये शुभ मंगल अवसर है कि भील समाज के नवयुवक और युवतियां आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी का आज जन्मदिन भी है और दीक्षा दिन भी है। महात्मा बुद्ध जी ने पूरे समाज में सद्भावना, शांति, सत्य के मार्ग पर चलने का समाज को एक दिशा दी और आज इसी तरीके से भील समाज भी एक ऐसा समाज है जिसका जितनी विरासत का इतिहास अगर हम देखें तो आजादी की लड़ाई के अंदर हमारी वीरांगना कालीबाई जी का इतिहास हमने देखा है, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा के लिए कुर्बानियां दी, बलिदान दिया और आज समाज की सभी बच्चों के लिए, सबके लिए प्रेरणा के लिए हमारी वीरांगना कालीबाई हमें प्रेरणा देती है। भील समाज एक ऐसा समाज है जो राजाओं के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना के रूप में लड़ा, देश के राजाओं के युद्ध के अंदर देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा, आजादी के आंदोलन में लंबी लड़ाई आदिवासी समाज की थी, विरासत में उसको मिटाने की कोशिश की। लेकिन अगर आजादी के आंदोलन के इतिहास को हम देखते हैं तो आजादी के इतिहास में आदिवासी भील ही था जिन्होंने गांव से आजादी का लड़ाई संघर्ष किया और हजारों बलिदान दिए और आज भी भील समाज का नौजवान चाहे सीमा पर हो, चाहे अर्धसैनिक बल के रूप में हो, आज भी देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। लेकिन इस 75 वर्ष बाद भी अभी भी भील समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा है। मैंने भील समाज के दर्द को देखा है, पीड़ा को देखा है। जहां मैं रहता था और मैं जब रहने के बाद कभी कभी नदी पर जब नहाने जाता था मैं, तो मैं देखता था किस समय भील समाज का नौजवान महिलाएं चंबल नदी में पार कर कर लकड़ियां लाती थी और कई बार मैं देखता था कि गर्भवती महिला भी माथे पे लकड़ी लाकर दो टाइम की रोटी का इंतजाम करती थी। आज भी मैं देखता हूं कि जंगल के अंदर जिस दयनीय स्थिति के अंदर रहते हैं, कई गांव में तो लाइटें नहीं थी, आज उन गांव में लाइटें लगी है, लेकिन फिर भी भील समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। और जब मैं भील समाज के किसी नौजवान युवक युवती को, पढ़ी लिखी युवक युवती को देख लेता हूं तो मेरी आंखों में चमक आती है। मेरा सपना तो है कि भील समाज का हर नौजवान पढ़ लिख कर देश और प्रदेश का नेतृत्व करे और इसीलिए जब भील समाज का कोटा के अंदर छात्रावास का निर्माण हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, मैं इनकी दयनीय स्थिति को जानता हूं, पैसे लाएंगे कहां से। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भील समाज के उन दानदाताओं को, जिन पदाधिकारियों को हमारे सामने पदाधिकारी खड़े, चुन्नीलाल जी, कालूलाल जी और कितने पदाधिकारी जिन्होंने गांव में घूम घूम कर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 कर 30 लाख इकट्ठा करने का सबने संकल्प दिया। मैं दंग रह गया कि समाज में 30 लाख रुपए इकट्ठा कर। मैंने कहा कोई बात नहीं,
30 लाख तुम इकट्ठा करो, 30 लाख मैं लगाऊंगा। मैं जानता था 30 लाख से कुछ नहीं होने जा रहा। भील समाज का वह छात्रावास बनेगा और उस छात्रावास के अंदर जो हमारे सपने हैं कि हर बेटा बेटी पढ़कर देश और प्रदेश का नेतृत्व करेगा, उसके चेहरे पे चमक होगी और परिवार को आगे बढ़ेगा। जितना भी समाज का व्यक्ति पढ़ेगा, मेरी माता बहने बैठी है, अधिकतर माता बहने पढ़ नहीं पाई क्योंकि दो टाइम की रोटी का उनको इंतजाम करना था। मैंने कड़ी मेहनत देखते हुए भील समाज के सब लोगों को देखा, मेरी कभी कभी आंख में आंसू आ जाता था। कितनी दर्द भरी कहानियां देखी कि एक महिला जो गर्भवती थी और सिर पर इतना बोझ रखकर मैंने पूछा कैसे करोगी, उन्हें कहा अगर लकड़ी बेच कर दो टाइम की रोटी दी तो शाम को चूलो किसान जलो। उसको दो टाइम की रोटी के इंतजाम के लिए सिर पर बोझ रखकर वो महिला चलती थी, नौजवान चलता था, बुजुर्ग चलता था। जंगलों के अंदर आज जिन जंगलों को बचाने का अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित करने का काम किया तो भील समाज के लोगों ने कहा जो जंगल बचाने का काम किया। आज भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है लेकिन हम सब सामूहिकता से काम करें। मैंने समाज के लोगों को कहा है कि आप आगे बढ़ो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ाएंगे, कोई बेटी पढ़ना चाहती तो पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी हो तब जब पीढ़ियां बनती जाए तो पढ़ी लिखी पीढ़ी बनती जाए। कोई आईएएस बने, कोई आरएएस बने, कोई पुलिस में एसपी बने, डीआईजी बने, कलेक्टर बने, कस्टम में बने, इधर बने, ये मैं चेहरे में चमक देखना चाहता हूं। मुझे पता है कठिन है, मुश्किल है, चुनौती है, लेकिन भील समाज एक साहसपूर्ण समाज है, एक योद्धा के रूप में लड़ने वाला है। जिस दिन संकल्प ले लेगा कि हम लालटेन की बत्ती में पढ़कर भी हमारे बेटे और बेटी का भविष्य उज्जवल करेंगे, आप देखना देश के अंदर नया परिवर्तन होता दिखेगा। मुझे याद है अब्दुल कलाम साहब को जीवन को देखो, एक वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी मोमबत्ती में पढ़कर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और राष्ट्रपति बने। जितने लोगों की जीवनी, संघर्ष की जीवनी आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें, मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, मैं माता बहनों को कहना चाहता हूं और विशेष रूप से जिन बेटे बेटियों की शादी हो रही है, ये संकल्प लेकर जाए कि मेरे बेटे बेटी को मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगा और कुल और समाज का नाम करूंगा और देश के लिए समर्पित करूंगा। आप निश्चित मानिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। शोभा राम जी थे, शोभा राम जी ने कहा कि हम सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने कहा सम्मेलन में पैसा कहां से लाओगे कि 15,000-20,000 रुपए जोड़े से देते हैं। मैंने कहा एक बार शुरुआत करते हैं निःशुल्क की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रामगंज मंडी के उन सब लोगों को, ये मैंने कोई निःशुल्क, मैंने कोई धन नहीं दिया, मैंने एक रुपया नहीं दिया इसके अंदर, लेकिन वह दानदाताओं को मैंने कहा हर जोड़े के कन्यादान आपको करना है, कोई एक सेठ को कन्यादान नहीं करना। मैं चाहता तो एक सेठ को भी बोल देता तो भी सामूहिक वह सम्मेलन हो जाता। मैंने कहा एक सेठ नहीं, जितने परिवार हैं उन परिवारों को कन्यादान करने वाला अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ेगा, जीवन से जुड़ेगा, साथ रहेगा। और अगली बार कोटा में 100 जोड़ों का निःशुल्क विवाह होगा और कोई एक सेठ के द्वारा नहीं, 100 लोग कन्यादान करेंगे, अगली बार 200 करेंगे। बस एक निर्णय कर लो कि हमें शादी विवाह करना है तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में करना है और जो इसका पैसा बचेगा उस पैसे को अपने बेटे बेटी को पढ़ाने में खर्च करना है। समाज को बदलना है, समाज के जीवन को बदलना है,
तो हमें बदलना पड़ेगा, और हम बदल जाएंगे तो समाज बदल जाएगा। आपको जो आरक्षण दिया उस आरक्षण का हक भी मिलेगा, लेकिन बदलना आपको पड़ेगा, और बदलने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होगी, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, छात्रावास बने। चुन्नीलाल जी से मैंने पूछा, चिंता कर रहे थे कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए लगेंगे, मैं लगने दो, शुरुआत रखो। जब कोई मकान शुरू होता है ना, तो कोई एक ईंट देता है, कोई सरिया देता है, कोई सीमेंट देता है, कोई किवाड़ देता है, और बनता जाता है कारवा। ऐसे ही बनता जाएगा और लोग देखेंगे कि भील समाज ने कितना बढ़िया छात्रावास बनाया, और जब हमारे बेटे बेटी वहां पढ़कर कोई IIT बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा, कस्टम का अधिकारी देखेगा, और छात्रावास से निकलेगा, और जो छात्रावास से पढ़ने के बाद फिर वह छात्रावास में आएगा, फिर उसमें दान देकर नए छात्रावास का निर्माण कराएगा। इसलिए जमीन छोटी है, लेकिन छोटी जमीन में एक बार बनाते हैं, जब परिवर्तन होगा तो अगली जमीन भी मिलेगी, बड़ा छात्रावास भी बनाएंगे, और वहां पर ही शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। मैं वरवधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और विशेष रूप से समाज के जितने पदाधिकारी समिति के लोग हैं, जिन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिन रात मेहनत करी, वे बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने कन्यादान किया, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता, वह सब दानदाता जिन्होंने आज कन्यादान किया। मैंने तो अखिलेश जी से ऐसे मजाक की थी, मैंने अखिलेश जी रामगंज मंडी में ढूंढो एक जोड़े को एक व्यक्ति दान देने का, तो मैंने तो प्रयास किया था, मैंने होगा नहीं होगा, मैं उन्होंने कहा भाई साहब एक सेठ से बोलते हैं, मैंने एक सेठ तो मेरे पास बड़े बड़े सेठ हैं, सेठों से बोलने की जरूरत नहीं है, आप कन्यादान के लिए लोगों को प्रेरित करो, और एक अच्छा प्रयास है। अब 100 जोड़ों का करेंगे, फिर 200 का करेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो जोड़ों का प्लान करो, कन्यादान देने वालों की कोई कमी नहीं, और भविष्य में कन्यादान वाले केवल कन्यादान करके नहीं, इनके परिवार की चिंता करेंगे और इनके परिवार का सांभ संभाल संभालेंगे, ऐसी हम एक नई श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं। आप सबको इस शुभ विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वर वधु को बहुत बहुत बधाइयां, उनका नया जीवन की शुरुआत हो रही है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हो रही है, और महात्मा बुद्ध ने जिस तरीके से देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपने समाजों के अंदर सद्भावना सत्य के मार्ग पर परिवर्तन करने का काम किया था, आप भी नई जीवन इसी तरीके से शुरुआत करें कि मुझे मेरे समाज में कुल दीपक लाना है और उसको दुनिया और देश का सबसे बड़ा आदमी बनाना है। इस संकल्प के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।